लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जिस संविधान खतरे में है को मुद्दा बनाया था, उसे वो छोड़ते हुए नहीं दिख रहा है। इसके झलक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दिन ही दिख गए थे। सदन की बैठक में विपक्षी सदस्यों के हाथ में एक लाल रंग की किताब थी। विपक्ष बार बार इस किताब को दिखाकर संविधान खतरे में है के आरोप लगाता रहा था। संविधान खतरे में, मुद्दा है जीवित। वहीं पीएम के संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों की तस्वीर सामने आई थी। उसमें वो अपने हाथ में एक छोटी लाल किताब लिए थे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी सांसदों के हाथों में ये लाल किताब थी। ये वही लाल किताब है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को मरते दम तक नहीं बदलने देगी। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये किताब लेकर चलते थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस किताब की हजारों प्रतियां छपवाई हैं। बहरहाल 18वीं लोकसभा के पहले दिन सोमवार को संसद का नजारा देखकर ये स्पष्ट हो गया कि विपक्षी दल संविधान खतरे में है कि मुद्दे को हर हाल में जीवित रखना चाहता है। देखिए, जो जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, इमरजेंसी की यादों के जरिए विपक्ष को आईना। आपको बता दें कि समय समय पर सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के आरोपों पर सफाई आती रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की बैठक शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ठीक 50 साल पहले इसी दिन देश के संविधान पर एक काला धब्बा लगा दिया गया था। पीएम के इस बयान को सीधे तौर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब माना जा रहा है। पीएम ने इसके साथ ये भी कहा कि उनकी सरकार ये संकल्प लेती है कि भविष्य में संविधान को फिर से कलंकित करने की किसी को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें सदन के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आपातकाल पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब इसे लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। मेरी सरकार भी भारतीय संविधान को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बना सकती। हम अपने संविधान को जन चेतना का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। हमारे जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू किया गया है, जहाँ अनुच्छेद 370 के कारण स्थिति अलग थी। 27 जून है, 25 जून
1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्यरात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यानी केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास कुत्सित प्रयास थे बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। लोकसभा चुनाव में जिस एक शब्द ने चुनाव की धारा मोड़ी है वो संविधान है। राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने इस बात को चुनावी मुद्दा बनाया कि मोदी सरकार यदि 400 सीटें लेकर आती है तो वो संविधान बदल सकती है। नतीजे आपके सामने हैं। इस संविधान बदलने की बात कहने में राहुल गांधी के हाथों में एक किताब लगातार दिखती रही, फिर वो चाहे रैली में हो, प्रेस वार्ता में हो या फिर संसद में शपथ लेने के दौरान। उनके हाथों में जो किताब दिखी वो पॉकेट संविधान है। इस पॉकेट संविधान किताब का लखनऊ से सीधा कनेक्शन है। पॉकेट संविधान का लखनऊ कनेक्शन, ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित। पॉकेट संस्करण का इकलौता प्रकाशन, पिछले 3 महीनों में लगभग 5,000 प्रतियां बिकी। चमड़े के कवर वाली लाल किताब सुर्खियों में। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने रैलियों में संविधान की प्रति को दिखाया, फिर विपक्षी नेताओं में संविधान प्रति दिखाने का बन गया ट्रेंड। चुनाव में कहा गया था भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी। पहला संस्करण साल 2009 में छापा गया था। अब तक 16 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। लखनऊ स्थित ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित चमड़े के कवर वाले इस लाल किताब ने उस वक्त सुर्खियां बटोरी जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के नेताओं, खास तौर पर राहुल गांधी ने रैलियों में अक्सर इस पॉकेट संविधान को दिखाते हुए दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो वो संविधान में बदलाव करेगी। लालबाग लखनऊ स्थित ईस्टर्न बुक कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि ईबीसी संविधान के इस पॉकेट संस्करण का इकलौता प्रकाशक है। पिछले 3 महीनों में इसकी लगभग 5,000 प्रतियां बिकी हैं। इसका पहला संस्करण साल 2009 में छापा गया था और तब से इसके 16 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसकी प्रस्तावना पूर्व अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लिखी है। ईस्टर्न बुक कंपनी ने संविधान के इस पॉकेट संस्करण का बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करा लिया है, जिसका मतलब है कि किताब के इस साइज, स्टाइल, कलर और फॉन्ट की नकल नहीं की जा सकती। 624 पन्नों का संविधान का यह पॉकेट संस्करण बाइबल पेपर पर छापा गया है। पॉकेट साइज इस संविधान की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष काफी हद तक इसको मुद्दा बनाने में कामयाब रहा। उसने इसे जनता के बीच चर्चा का विषय बनाया और उसके एक वर्ग को ये समझाने में कामयाब रहा कि भाजपा संविधान बदलने की योजना पर काम कर रही है। तभी तो वो 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। किसी भी पार्टी को सरकार चलाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। ऐसे में भाजपा और एनडीए 400 से अधिक सीटें हासिल कर संविधान बदलने की योजना पर काम कर रही है। खैर, अब चुनाव बीत चुका है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अभी भी अडिग है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।